सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आप लोग के बहुत सारे दोस्त होंगे, आप लोगों के बीच में दोस्ती होती होगी आपके कक्षा के विद्यार्थियों के अन्य विद्यार्थियों के साथ। तो आप लोगों ने ये जरूर महसूस किया होगा कि आपके बीच में जो दोस्ती है, तो उन आप दोनों दोस्तों के बीच में कुछ न कुछ समानता होती है, गुणों में, कुछ और चीज़ों में इस प्रकार की समानता होती है। तो ये दोस्ती का एक रिश्ता बनता है, और जितनी ज़्यादा हमारे बीच में समानता होती है, उतने ही हमारी दोस्ती ज़्यादा प्रगाढ़ होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसी तरह से और भी रिश्ते होते हैं, तो रिश्ते या संबंध जो हमारे सामाजिक परिवेश में विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं, तो इन संबंधों में कुछ समानताएं लोगों के बीच में जरूर होती हैं। जैसे हमारे परिवार में रिश्तेदारी है, हमारे परिवार के बीच में हमारा आपस में संबंध होता है, तो खून का रिश्ता होता है। तो इस तरह से कुछ समानताएँ हमारे बीच में होती हैं, और यही इसी प्रकार की चीज़ गणित में भी संख्याओं के बीच में कुछ संबंध होते हैं। तो इन संबंधों को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, आइए आज की हम इस कक्षा में हम इसी प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी का स्वागत है पढ़ई तुंहर द्वार के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर के कक्षाओं के लिए आयोजित है। इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, और मैं हूं भास्कर देवांगन, प्रधान पाठक हूं। और आज हम कक्षा छठवीं में पढ़ने वाले हैं समीकरण के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि गणित में संख्याओं के बीच में कुछ संबंध होते हैं, वो संबंध किस प्रकार के होते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के जो गणितीय संबंध स्थापित होते हैं, इन्हीं संबंधों को, जो गणितीय संख्याओं के मध्य स्थापित होते हैं, इन्हीं संबंधों को ही समीकरण कहा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा को, और जानते हैं कि समीकरण क्या है और इसको किस तरह से और व्यक्त किया जा सकता है। तो आज हम जानेंगे समीकरण के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण क्या है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि कोई किसान है, तो उस किसान के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, या मान लो 10 गायें हैं, तो आपको यदि मैं पूछूं कि इन 10 गायों में पैरों की संख्या कितनी है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 10 गाय है तो पैरों की संख्या, एक गाय की चार के चार पैर होते हैं, तो इस तरह से 40 पैर हो जाएंगे। तो यही चीज एक संबंध के रूप में आता है। यदि किसान के पास 10 गाय है और पैरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, पैरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम करेंगे 10 और एक गाय के पैर की संख्या 4 होती है, तो 10 का गुणा 4 से कर देंगे, तो पैरों की संख्या 40 आ जाती है। तो यहाँ पैरों की संख्या शुरू में अज्ञात थी, और हमने उसको अपने गणना के द्वारा पूरा निकाल लिया कि किसानों के पास जो गाय है उसमें पैरों की संख्या कुल 40 हो गई। इसी तरह से यदि मैं कहूं कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और उन मुर्गियों के कुल पैरों की संख्या 26 है, तो मुर्गियों के पैरों की संख्या है, मुर्गियों के
पैरों की संख्या ये हमने कह दिया 26 है, तो अब मुर्गियों की संख्या यदि निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि हर मुर्गी के पास दो पैर होते हैं, तो कुल 26 पैर हैं, तो 26 पैर को दो से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मुर्गियों की संख्या 13। तो ये मुर्गियों की संख्या अज्ञात था और हमने ज्ञात कर लिया गणना के द्वारा 13। अब यदि मैं कहूं कि एक किसान के पास कुछ गाय और 20 मुर्गियां हैं, कुछ गाय और 20 मुर्गियां हैं, और इन सब के कुल पैरों की संख्या 60 है, कुछ गाय और 20 मुर्गियां हैं तो और कुल पैरों की संख्या 60 है, तो यहां पे आप देखेंगे यहां एक चीज दिखाई दे रहा है, कुछ गाय। यहां हमें गाय की संख्या नहीं मालूम है, तो जाहिर सी बात है हमें यहां गाय की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहां गाय की संख्या एक अज्ञात संख्या है और इसको हम हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ कथन होते हैं जिसको जब हम हल करना चाहते हैं या उसको उसका मान निकालना चाहते हैं तो हमें समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहां गायों की संख्या हमें नहीं मालूम है, तो गायों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुछ गणनाएं करनी पड़ेंगी, तो उन गणनाओं को आसान करने के लिए हम समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये समीकरण होते क्या हैं। यहां देखिए समीकरण की परिभाषा आप लोगों के सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। दो बीजी व्यंजकों के मध्य बराबर चिन्ह से युक्त गणितीय कथन समीकरण कहलाता है, जब दोनों व्यंजकों का मान समान हो। दो बीजीय व्यंजक, बीजी व्यंजक के बारे में आप लोगों ने इसी कक्षा में पूर्व के अध्याय में पढ़ा है, चर संख्याओं के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में और विस्तार से हम नहीं जाएंगे। बीजी व्यंजक क्या होते हैं? चर और अचर संख्याओं की संक्रियाओं, कुछ संक्रियाओं के साथ उनको जब व्यक्त किया जाता है तो बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे हम एक बीजी व्यंजक लिख देते हैं, उससे आपको एक निकाल हो जाएगा। बीजी व्यंजक हम लिख देते हैं यहाँ पे 3x-5, ये एक बीजीय व्यंजक। यहाँ पे 3x-5 और 5, ये गणितीय संकेत प्रयुक्त हुए हैं। x ये अज्ञात राशि है, इस अज्ञात राशि को हम चर कहते हैं। यहां धन का चिन्ह गणितीय संक्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 3 और 5 ये दोनों ज्ञात राशि है, फिक्स है, स्थिर राशि है, इसलिए इसको हम अचर राशि कहते हैं। और x के साथ 3 का गुणा हुआ है, इसलिए 3 को हम गुणांक कहते हैं, चर का गुणांक। तो ये एक बीजी व्यंजक है। तो जैसा कि समीकरण की परिभाषा में आप लोगों ने देखा कि दो बीजी व्यंजकों के मध्य बराबर चिन्ह से युक्त गणितीय कथन समीकरण कहलाता है, जब दोनों व्यंजकों का मान समान हो। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, बीजी व्यंजकों, दो बीजी व्यंजक होंगे, उसके मध्य बीजी व्यंजक होंगे, बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है, और यह एक गणितीय कथन के रूप में होता है, और बीजी व्यंजक चूंकि बराबर का चिन्ह है इसलिए बीजी व्यंजकों के मान बराबर होते हैं दोनों। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक समीकरण देख रहे हैं, 5x-7 = 27, ये एक समीकरण है। 5x-7 = 27, ये एक समीकरण कहलाएगा। क्यों समीकरण कहलाएगा? समीकरण के परिभाषा में हम देखें, यहां बराबर का चिन्ह है, दो बीजी व्यंजक है, पहला बीजी व्यंजक है 5x-7 और दूसरा बीजी व्यंजक है 27। 27 भी एक बीजी व्यंजक है, इसमें कोई चर राशि नहीं है, ये अचर व्यंजक कहलाता है या अचर पद कहलाता है। पहले वाले बीजी व्यंजक में दो पद है, 5x पहला पद है, दूसरा पद है 7,
तो दो पद इसमें आ गए हैं, इसी तरह से और भी पद वाले हो सकते हैं। जैसा कि बीजी व्यंजक में आप जानते हैं कि बीजी व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। तो पांच एक से एक पद है, दूसरा पद सात है, पांच एक धन सात एक बीजी व्यंजक बन जाता है, एक से एक चर राशि है, पांच चर राशि का गुणांक है, सात अचर राशि है, और दोनों पदों के बीच गणितीय संक्रिया धन का इस्तेमाल किया गया है, जोड़ संक्रिया का इस्तेमाल किया है, गणितीय चिन्ह धन का प्रयोग किया गया है। बराबर चिन्ह के दूसरी ओर एक अचर पद है जो कि एक पदी बीजी व्यंजक है, 27। तो ये एक समीकरण कहलाएगा। तो जैसा कि हमने कक्षा की शुरुआत में कहा कि ये संख्याओं के मध्य संबंध को दर्शाता है, संख्याओं के मध्य संबंध को स्थापित करता है। पांच एक्स धन सात का संबंध बराबर चिन्ह के साथ 27 से है, मतलब पांच एक्स धन सात 27 के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे कुछ ध्यान देने वाली बात जो है वो ध्यान रखना है। समीकरण में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ध्यान में हमें रखनी है, समीकरण जब भी हो तो बराबर का चिन्ह होना आवश्यक है। यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं है, मतलब समीकरण को हम कह सकते हैं कि एक समता का कथन है, समानता दर्शाने वाला कथन होता है। और बराबर चिन्ह के दोनों ओर दो दो व्यंजक, दो व्यंजक होते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा, पांच एक्स धन सात ये एक ओर है और इस कथन ओर जो बाई तरफ है उसको हम कहते हैं बाया पक्ष, और बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ 27 है वो कहलाता है दाया पक्ष। जैसा कि इसके पॉइंट फोर में लिखा हुआ है, बराबर चिन्ह के एक ओर बीजी व्यंजक होता है उसको बाया पक्ष कहते हैं, और दूसरी ओर जो दाई तरफ रहता है उसको हम दाया पक्ष कहते हैं। और व्यंजक जो है उस व्यंजक में एक चर हो सकता है, कि जैसे कि हमने उदाहरण में यहाँ देखा, इस उदाहरण में एक ही चर है पांच एक्स, इसी प्रकार से एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। जैसे हम मान लो लिख देते हैं पांच एक्स धन 3y = 17, तो यहां पे आप देखोगे कि यहां एक्स और वाई दो अलग अलग प्रकार के चर हैं, तो ये भी एक समीकरण है। इसी तरह से 3p धन 4q ऋण 8r = 2p - 4q, ये भी एक समीकरण है। यहां तीन प्रकार के चर प्रयुक्त तो हुए हैं, p q r, ये तीन चर प्रयुक्त तो हुए हैं, दूसरी तरफ भी दो चर प्रयुक्त तो हुए हैं, तो ये भी एक व्यंजक है। ठीक है, ये भी एक समीकरण के रूप में होगा। और क्या चीज महत्वपूर्ण है जो जान सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है समीकरण में वो है समीकरण के चर के लिए, समीकरण जो होता है वो किसी चर के विशेष मान के लिए ही सत्य होता है। समीकरण का सत्य होने का मतलब, समीकरण कब सत्य होगा? चूंकि हम ये जान रहे हैं कि समीकरण में बराबर का चिन्ह है, तो यहां पे 17 का मान बदल नहीं सकता, 17 का मान फिक्स है। मान जो बदल सकता है वो पांच एक्स धन 3y का मान बदल सकता है, क्योंकि यहां एक्स और वाई अज्ञात राशि है, चर राशि है, इन चर राशियों का कोई मान होगा जिसके लिए हम यदि हल करते हैं बायां पक्ष को तो उसका मान 17 के बराबर आता है। तो उस कंडीशन में एक्स और वाई ये दो चर हैं, ये चरों के मान हमें ऐसे रखने होंगे कि ये बराबर का चिन्ह डिस्टर्ब ना हो, या बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर हो, तभी ये समीकरण सत्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इस उदाहरण में हमने देखा पांच एक्स धन 7 = 27, यहां एक चर व्यक्त हुआ है, एक चर प्रयुक्त किए हैं एक्स, 27 दाएं पक्ष में है, ये दाया पक्ष कहलाएगा और ये बाया पक्ष है। तो 27 ये मान तो फिक्स है, स्थिर है, बदल सकता है मान पांच एक्स धन सात का, इसमें पांच और सात स्थिर राशि है,
एक्स का कोई मान होगा, उस एक्स का मान ऐसा हो जिसके लिए यह समीकरण बायां पक्ष को हल करने पर दाएं पक्ष के बराबर हो जाए, 27 प्राप्त हो। तो ये एक्स का कोई एक निश्चित मान होगा, उस निश्चित मान के लिए ही यह समीकरण सही होगा, मतलब समीकरण का बायां पक्ष समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर होगा, तब हम कह सकते हैं समीकरण सही है या सत्य है। तो चर राशि के विशेष मान के लिए ही यह समीकरण सत्य होता है, कोई भी मान यदि हम रख देते हैं तो वहां पे यह समीकरण सत्य नहीं होगा। आप रख के देख सकते हो, एक्स की जगह यदि मैं एक रख देता हूं तो 5 एकम 5, 5 और 7 12 हो गया, 27 के बराबर आया क्या? नहीं आया। 2 रख देंगे, 5 दूनी 10, 10 7 17 हो गया, 27 आया क्या? नहीं आया। 3 रख देते हैं तो 5 3 15, 15 और 7 22 हो गया, 27 आया क्या? नहीं आया। 4 रख देते हैं, 5 चौक 20, 20 धन 7 27, ये आ गया। तो यहां पे x का मान आता है 4, तो x के मान 4 के लिए ही यह समीकरण सत्य है, बायां पक्ष का मान भी 27 के बराबर आ जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, जो ध्यान देने वाली चीज है, समीकरण कब होगा या हम किसे समीकरण कह सकते हैं, तो बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। बराबर चिन्ह के दोनों ओर दो व्यंजक होते हैं, और व्यंजक एकपदी भी हो सकता है, अचर व्यंजक भी हो सकता है, या चर संख्याओं चर राशियों से प्रयुक्त व्यंजक भी हो सकते हैं, और किसी व्यंजक में एक से अधिक चरांक भी हो सकते हैं, है ना। और समीकरण चर के किसी विशेष मान के लिए ही सत्य होता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि कुछ गाय और 20 मुर्गी किसान के पास है, उसके पास कुल 60 पैर हैं, तो हमें यहां गायों की संख्या ज्ञात करनी है। गाय इसकी संख्या हमें ज्ञात करनी थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, आखिर हम समीकरण बना क्यों रहे हैं, समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो समीकरण की आवश्यकता होती है कि कोई अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम समीकरण को प्रयुक्त करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए, इन चीजों को जानने के बाद अब यहां पे अपन कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें हमें पहचानना है कि ये समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। पहला भाग में देखें, x ऋण 4 बराबर 10, ये समीकरण है कि नहीं, ये आपको पहचानना है। तो क्या ये समीकरण होगा, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ओके, दोनों ओर दो बीजी व्यंजक है, दाई ओर 10 है जो कि एक अचर पद है, बाई ओर x ऋण 4 है, एक बीजी व्यंजक के रूप में है। तो सारी क्राइटेरिया, सारी जो शर्तें हैं समीकरण बनाने के लिए, वो इसमें लागू हो रही है, इसका मतलब यह एक बीजी व्यंजक है, सॉरी, यह एक समीकरण है। दूसरे में देखते हैं, दूसरा यहां पे दिखाई दे रहा है, 3x ऋण 2x बराबर 2x, इसमें देखें बराबर का चिन्ह है, दोनों ओर दो व्यंजक हैं, बीजी व्यंजक हैं, दोनों ओर के बीजी व्यंजकों में चर राशि प्रयुक्त हुआ है, एक ही चर प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब यह भी एक समीकरण है। तीसरे में देखते हैं, 2y ऋण 3 धन 9, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या इसमें बराबर का चिन्ह है, क्या आपको दिखाई दे रहा है बराबर का चिन्ह? नहीं है, बराबर का चिन्ह यहां पे नहीं है, साफ कह सकते हैं कि यह बीजी व्यंजक नहीं है, सॉरी, यह एक बीजी व्यंजक है लेकिन समीकरण नहीं है, हमें समीकरण ज्ञात करना है। ये एक बीजी व्यंजक है, 2y ऋण 3 धन 9, ये एक बीजी व्यंजक है लेकिन समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं है, समता लागू नहीं हो रहा है।
इसलिए ये बीजी व्यंजक नहीं है। चौथा वाले को देखें, पांच पी बड़ा है 3 पी धन 6 से, तो क्या यहां बराबर का चिन्ह है? नहीं है, बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये भी बीजी व्यंजक नहीं है। अंतिम में देखें, 6x धन 3y बराबर 15, इसमें दो चर प्रयुक्त तो हुए हैं, बराबर का चिन्ह है, इसलिए यह बीजी व्यंजक। तो इस तरह से हम, यह जो छठवा है वो एक समीकरण है, दो बीजी व्यंजक है, बाएं बराबर चिन्ह के बाईं तरफ एक बीजी व्यंजक है जिसमें दो चर प्रयुक्त तो हुए हैं, दाईं तरफ एक बीजी व्यंजक है जो अचर पद वाला है, तो ये एक समीकरण है। ठीक, अब हम फिर से आते हैं अपनी गाय और अपनी मुर्गियों पर। कुछ गाय और कितनी थी, 20 मुर्गी, दोनों के मिला के 60 पैर थे। ठीक है, अब गायों की संख्या हमें नहीं मालूम, इसको हमें निकालना है। तो जो गायों की संख्या है, आप ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं, है ना, गायों की संख्या को यदि हम मान लेते हैं एक्स, मान लो किसान के पास एक्स गाय है। अब मुर्गियों की संख्या 20 है, किसान के पास एक्स गाय है। अब हम ये जानते हैं कि हर गाय के पास 4 पैर होते हैं, गायों के 4 पैर होते हैं, तो हम 4 से x को गुणा कर देते हैं, तो ये 4x हो गया, पैरों की संख्या, एक गाय के 4 पैर, तो x गाय के 4x पैर हो जाएंगे। मुर्गियां कितनी हैं, 20, हर मुर्गी के कितने पैर होते हैं, दो, दो से गुणा कर दिए, तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो गई, कुल पैरों की संख्या यहां पे गाय का 4x हो गया और मुर्गियों का हो गया 40। अब दोनों का, गाय और मुर्गियों के कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या मतलब क्या करना है हमको, यहां पे जोड़ का चिन्ह लगाना पड़ेगा, कुल है दोनों पैरों को जोड़ेंगे, तो ये पैर कितना मिल गया, 60। तो आप देख रहे होंगे यहां पे क्या बन गया, समीकरण 4x धन 40 बराबर 60। क्लियर हो गया, तो आप बहुत आसानी से इस तरह से समीकरण बना सकते हैं यदि आपको कोई कथन दिया जाता है। कथन को शब्द समीकरण भी कहते हैं, है ना, याद रखेंगे, कथन को हम कहते हैं शब्द समीकरण। आगे जब पढ़ेंगे आप तो न केवल गणित में बल्कि और विषयों में भी इस प्रकार के शब्द समीकरण को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने के तरीकों को आप पढ़ेंगे। तो यह शब्द समीकरण है, इसको इबारती प्रश्न के रूप में भी आगे आप देखेंगे, है ना, तो शब्दों को हम गणितीय चिन्हों का के रूप में प्रयुक्त कर देते हैं, तो ये हमारा गणितीय समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहां से आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि समीकरण को कैसे बनाया जाता है ना, जो अज्ञात राशि है उस अज्ञात राशि को हमें कोई चर मान लेना है, और उसके बाद कथन में जिस प्रकार की चीजें भी बोली गई हैं, एक एक स्टेप लेते हुए उन चीजों से आगे बढ़ते जाइए और आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम समीकरण बना सकते हैं। जैसे कि और समीकरण बनाने की विधि अभी हम देखें, किसी संख्या के दुगुने में से 3 कम करने पर 17 आता है। संख्या के दुगुने में 3 कम करने पर 17 मिलता है। संख्या के दुगुने, हमें संख्या नहीं मालूम है तो हम यहां संख्या को ले लेंगे x। अब इसका दुगुना, संख्या के दुगुना, संख्या का दुगुना मतलब 2 से गुणा कर दिए, 2x। अब इसमें हमें 3 कम करना है,
कम करना है मतलब घटाना है, कम करने का मतलब क्या हो गया, घटाना है, निकाल लेना है उसमें से। तो दो एक से जो है उसमें से तीन निकाल लो, तो तीन को कम कर दो, ऋण तीन, तो मिलता कितना है 17, 17 मिलता है। इसका मतलब दो एक से ऋण तीन को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होना चाहिए 17। ये बन गया समीकरण आपका, बहुत आसान है, लग रहा है ना आसान, बिल्कुल। तो आप इसी तरह से बहुत सारे समीकरण आप बना सकते हैं, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे बहुत सारे ऐसे कथन होंगे, तो कोशिश करिए आप, तो इस तरह से आप कथनों को समीकरण के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए, है ना। किस प्रकार की संक्रियाएं इस्तेमाल हुई है इनको ध्यान देना है। इसी तरह से यदि कोई गणितीय कथन दिया हो तो उसको हम शब्द समीकरण के रूप में भी प्रयुक्त या व्यक्त कर सकते हैं। 7y-14 बराबर शून्य, ये लिखा हुआ है, 7y-14 बराबर शून्य। अब इसको हमें एक कथन बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो यहां जो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि चर राशि क्या है y, जो कि अज्ञात है। तो देखिए y के साथ 7 का गुणा हुआ है, मतलब जो अज्ञात संख्या है उसका 7 गुणा हुआ है। अब उसके बाद 14 प्रयुक्त हुआ है और 14 के आगे ऋण का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब 14 कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जैसे कि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या का 7 गुना में 14 कम करने पर कुछ नहीं मिलता है, शून्य। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका कथन बना सकते हैं, किसी संख्या के 7 गुना में 14 कम करने पर शून्य प्राप्त होता है। बन गया कथन, इसको और आप अपने शब्दों में और भी अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। मेरे पास कुछ आम है, 6 लोगों ने उतने ही आम मुझे और दे दिए, अब सारे आम को मेरा एक दोस्त ले लिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो मेरे पास कितने आम थे? बन गया कथन। तो इस तरह से यदि आप चाहें तो बहुत सारे कथनों को बना सकते हैं, एक ही गणितीय समीकरण से हम कई प्रकार के कथन बना सकते हैं। तो कोशिश करिए, मजेदार तरीके से कोशिश करिए, मजेदार ढंग से ऐसे शब्द समीकरण आप बनाने का प्रयास करिए। आगे हम देखते हैं समीकरण को हल करना। समीकरण को कैसे हल किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, समीकरण को हल करना। तो समीकरण का हल करना, इसका तात्पर्य है समीकरण में अज्ञात राशि है जो चर राशि के रूप में है, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, यह समीकरण का हल करना कहलाता है। अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, जो राशि हमें नहीं मालूम है जिसका मान, उस राशि का मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल कहलाता है। और जैसे हमने समीकरण में पहले ही बता दिया है कि चर राशि के निश्चित मान के लिए समीकरण सत्य होता है, तो ये अज्ञात राशि एक निश्चित मान के को दर्शाएगा और उसका एक विशेष मान ही हमें प्राप्त होगा। समीकरण को हल करने से पहले कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। पहली बात यह है कि समीकरण के दो पक्ष हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने और घटाने पर समीकरण के मान में परिवर्तन नहीं होता है, समीकरण की समता परिवर्तित नहीं होती है ना। किसी समीकरण के दोनों पक्ष में समान संख्या जोड़ दें या घटा दें तो समता में परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से यदि समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा कर दें या उसको भाग कर दें, समान संख्या से भाग दें, तब भी उसकी समता परिवर्तित नहीं होती है। ये ठीक उसी तरह का से है
आप लोग दुकान जाते हैं, तराजू देखे होंगे, तराजू में दुकानदार सामान तौलता है ना। तो जब वो 1 किलो यदि आपको शक्कर लेना है तो वो पहले बाट चढ़ाता है शक्कर, एक तराजू के एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में शक्कर डालना शुरू करता है। तो शक्कर उतना डालता है जितना, जिससे कि तराजू के दोनों पलड़े एक बराबर आ जाए। यदि शक्कर कम रहेगा तो बाट वाला पलड़ा नीचे और शक्कर वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा, और यदि शक्कर ज़्यादा हो जाता है तो शक्कर वाला पलड़ा नीचे और बाट वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों एक बराबर तल में आता है, और उसका कांटा ठीक सीध में दिखाई देता है ना। अब यदि तराजू के दोनों पलड़े में आधा आधा किलो के बाट दोनों तरफ यदि हम डाल देते हैं, और डाल रहे हैं आधा आधा किलो के बाट दोनों तरफ डाल देते हैं दोनों पलड़े में, तो आप सोचिए क्या पलड़ा किसी एक ओर झुकेगा, या शक्कर की तरफ झुकेगा कि बाट की तरफ झुकेगा, या ठीक बीच में रहेगा। तो आपने देखा होगा इस तरह से कि यदि दोनों तरफ बराबर मान का बाट डाला गया है आधा आधा किलो का, तो भी पलड़ा एक समान ही रहता है, किसी एक ओर झुकता नहीं है, अपरिवर्तित होता है ना। तो ठीक यही प्रक्रिया समीकरण में भी होता है। समीकरण के दोनों पक्षों में कोई कुछ संख्या जोड़ दे या घटा दे, एक समान संख्या है ना, तो समता परिवर्तित नहीं होती, या गुणा या भाग कर दे तो भी समता परिवर्तित नहीं होती। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। मान लो हमारे पास एक समीकरण है 3x+2=17। तो यदि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में कोई भी संख्या जोड़ दें या घटा दें, 3x+2 ये है बायां पक्ष और दायां पक्ष है 17। इसमें मान लो हम 5 घटा देते हैं दोनों ओर, तो समीकरण का मान भले बदल जाएगा लेकिन समता परिवर्तित नहीं होगी। 5 को दोनों ओर घटाया गया है ना, तो मान भले दिखेगा, भले समीकरण दूसरा दिखे ना, शुरू हो जाएगा, लेकिन समता में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा है, लेकिन समता में परिवर्तन नहीं होगा। समता में परिवर्तन नहीं होगा, इसका ये तात्पर्य है कि जो अज्ञात राशि है x, उस राशि का मान या उस चर का मान वही रहेगा जो 3x+2=17 में था। ठीक है, तो इन नियमों का इस्तेमाल करके हम समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम समीकरण का हल निकालना चाह रहे हैं, यही एक समीकरण ले लेते हैं, 3x+2=17, ये एक समीकरण है। इस समीकरण का हल ज्ञात करना चाह रहे हैं तो यहां देखें, हमको किसका मान निकालना है, एक्स का। तो बाकी जो चीजें हैं उसको एक्स से हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, तो सबसे पहले देखो, 3x के साथ 2 जुड़ा हुआ है, इस 2 को यहां से हटाना है बाएं पक्ष से। तो 2 को बाएं पक्ष से कैसे हटा सकते हैं, 2 हमारे पास है, जैसे कि मेरे पास ये 2 पेन है, अब ये 2 पेन मुझे कम करना है, हो गया कम, हटा दिया उसको, हटा दिया मतलब कम कर दिया मतलब घटा दिया। तो इसका मतलब 2 को यहां से हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 घटा देते हैं, 3x+2=17-2, दोनों तरफ 2 घटा दिए। अब धन 2 और ऋण 2, 2 था, 2 हटा दिए मतलब शून्य हो गया। तो हमारे पास अब बचा 3x, और दाएं पक्ष में कितना होगा, 17 में 2 घटा दिए तो आ गया 15। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो ये 3 को भी x के साथ जो है लगा हुआ 3 है, जो x का गुणांक कहलाता है, इस गुणांक को हटाना पड़ेगा। तो 3 गुणांक है, गुणा हुआ है, तो गुणा हुआ है तो इसका मतलब हम इस गुणा को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो
तो अब हम ये जानते हैं तीन को तीन से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, तीन एकम बराबर एक, और एक्स का गुणा एक बराबर होता है एक्स, है ना। तो तीन को एक बनाने के लिए तीन को हम भाग कर देते हैं तीन से, तो दोनों पक्षों में भाग करेंगे, जो समीकरण का नियम है, समीकरण हल करने का नियम, उस नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो तीन एक्स को तीन से भाग कर दिए, 15 को तीन से भाग कर दिए, तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन पंचे, तो यहां बचा एक्स और यहां बचा 5, तो ये आ गया समीकरण का हल, एक्स बराबर 5, ये समीकरण का हल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से हम इस तरह से समीकरण के हल को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका कोई एक समीकरण हम ले लेते हैं, यहां पे 4x+10=30, इस समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो अब कुछ आसान तरीके हम देखते हैं। जो जो प्रक्रिया हमने यहां पे करी है, धन दो था तो 2 घटा दिए इस तरह से, तो ये लेंथी प्रोसेस। अब एक होता है विधि, पक्षांतर विधि, पक्षांतर करना, पक्षांतर, पक्षों में अंतर, दो पक्ष है तो एक पक्ष की संख्या को दूसरे पक्ष की ओर ले जाना है। तो जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो यहां ध्यान रखना है, पक्ष में परिवर्तन होगा तो संख्या के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि 4x+10 है, हमको यहां धन 10 को हटाना है, तो इसका मतलब 10 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो, या फिर हम पक्षांतर करने की प्रक्रिया करते हैं तो 10 को हम दाएं पक्ष में ले आते हैं, तो बराबर 30, 10 के आगे धन चिन्ह है वो बन जाएगा ऋण चिन्ह, ऋण 30, तो हमारे पास आ गया 4x, 30 में से 10 गया 20। अब 4 को, जो कि x का गुणांक है, उसको हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए हमने पहले किया था, 4 से भाग किया था, अब हम करेंगे यहां पे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका मतलब तिर्यक गुणा करने का मतलब है बराबर चिन्ह के दूसरी ओर उस संख्या को लाना है जो गुणा हुआ है। तो ठीक वही प्रक्रिया, पक्षांतर जब करते हैं तो धन चिन्ह वाला बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ आता है तो ऋण चिन्ह हो जाएगा, ऋण चिन्ह वाला धन चिन्ह हो जाता है, धन चिन्ह वाला बराबर चिन्ह के दूसरी ओर आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण चिन्ह वाला बराबर चिन्ह के दूसरी ओर आएगा तो धन हो जाएगा। इसी तरह से गुणा वाला जब बराबर चिन्ह के दूसरी ओर आता है, दूसरे पक्ष में आता है, तो वो भाग में चले जाएगा, तो 4 को हम हटा रहे हैं तो ये आ जाएगा भाग में, x बराबर 20 और भाग में आ गया मतलब 4। तिर्यक गुणा ऐसे होता है, x बटे y p बटे q, ऐसा यदि दिया है तो तिर्यक गुणा ये इस तरह से। अंश वाला हर में चले जाता है, हर वाला अंश में चले जाता है, बराबर चिन्ह के दूसरी ओर जाए तो, 4 एकम 4 पंचे x=5, ये आ गया समीकरण का हल। तो इस तरह से हम समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास कुछ समय कम है, हम फटाफट एक प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आपको यहां पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसी संख्या के आधे में से 4 घटाए तो 6 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी? संख्या के आधे में 6 घटाए तो कितना प्राप्त होता है, संख्या के आधे में 4 घटाए तो 6 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करना है, तो सबसे पहले जैसे समीकरण बनाने का तरीका बताया था, अज्ञात संख्या है उसका आधा लेना है, तो मान लो संख्या है x, उसका आधा मतलब 2 से भाग कर दो, आधा बन गया। अब इसमें 4 घटाना है, तो ये जो नई संख्या मिली इसमें 4 घटा दिए तो 6 प्राप्त होता है, बराबर हो जाएगा 6, ये बन गया एक समीकरण, x/2 ऋण 4 = 6।
अब इसको हमें हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले ऋण चार को हमें हटाना है, तो x बटे दो ऋण बराबर कर देते हैं, ऋण चार को बराबर के दूसरी और दाई पक्ष में लाएंगे, तो ऋण है वो हो जाएगा धन, 6 धन 4, तो x बटे दो बराबर आ जाएगा 6 धन 4 मतलब 10। अब x के बटे में 2 है मतलब 2 से भाग हुआ है, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 10 से हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 × 10, तो x बराबर हो गया 20। तो ये आ गया संख्या का मान x बराबर 20। तो जो अज्ञात संख्या थी वह है हमारा 20। तो इस तरह से हम इबारती प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने समीकरण हल करना और समीकरण बनाना और समीकरण के बारे में चीजें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, और आपके पुस्तक में, अभ्यास पुस्तिका में बहुत सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो ये आपके लिए वर्क है। आप उनको समझिए प्रश्नों को, और समझ के उनको हल करने का प्रयास करिए। यदि कोई समस्या है तो cgschool.in में मेरा मोबाइल नंबर है, उस नंबर से कांटेक्ट करके आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, और प्रश्नों के हल भी मुझे व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि महामारी का दौर फिर शुरू हो रहा है, तो जहाँ तक संभव है घर से बाहर ना निकले और अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार।